नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। संसद से सस्पेंशन पर सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संसद में गांधी मूर्ति के सामने सांसद विरोध जता रहे हैं और आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, देखिए सांसदों को निलंबित किया गया था। दरअसल सवाल ये उठता है कि विपक्ष विरोध जता रहा था, हंगामा हो रहा था और इसी के चलते सस्पेंड किया गया। और अब विपक्ष का ये कहना है कि क्या अब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सवाल पूछना भी गुनाह हो चुका है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया जा रहा है और ये सांसद पहुंचे हैं और सीधे तौर पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन के बाहर की तस्वीरें हैं। गांधी प्रतिमा के सामने जो सांसद जिनको सस्पेंड किया गया था पहुंचे हैं और विरोध जता रहे हैं। दरअसल जो हमला हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो सेंध और बड़ी चूक सामने आई थी उसे लेकर विरोध जताया जा रहा था और उसे लेकर ही सस्पेंड किया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो कि आज की तस्वीरें हैं, ये सांसद विरोध जता रहे हैं। बनी नहीं पा रहा है कि निलंबित सांसदों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता गांधी प्रतिमा के सामने आए हैं। हमारे साथ मणिकम टैगोर हैं जो कि खुद निलंबित सांसद हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार गृहमंत्री से मांग कर रहे हैं स्टेटमेंट की, आज संसदीय कार्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मामला गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता, लोकसभा स्पीकर के अधीन आता है। ये अमित शाह जी का फेलियर का बचाने के लिए क्या क्या करेंगे देश की? अमित शाह जी का फेलियर था और इसी चक्कर में पार्लियामेंट का अटैक हुआ है और बीजेपी का एमपी पास दे के अंदर भेजा है उस इंट्रूडर्स का। और नहीं ना, इंट्रूडर्स का छोड़ दीजिए ना, फ्री छोड़ दीजिएगा उनका, क्यों यूएपी लगाना है उनको ऊपर? आप लोग ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं सोच रहे हो, फिर तो इसका छोड़ना चाहिए। ये तो लोकसभा सेक्रेटरीट का काम है ना। क्या बात कर रहे हैं जोशी जी, अमित शाह जी का फेलियर है। अमित शाह जी आके सदन में जवाब देना चाहिए, देने के लिए दम नहीं है। जाके अब पार्लियामेंट का बाहर ही घूम रहे हैं अमित शाह जी, दो दिन से गायब है और पार्लियामेंट यह अटैक हुआ है। कहाँ का होम मिनिस्टर है ये? और हम लोग ये कंटिन्यूअसली डिमांड करते रहेंगे, ऑपोजिशन इंडिया अलायंस सारे यूनाइटेड है। हमारा मांग अमित शाह जी का आके पार्लियामेंट में जवाब देने का। सर, एक एक करके लोकसभा के कई सांसदों को निलंबित किया गया, राज्यसभा से डेरिक ओब्रायन को निलंबित किया गया, क्या बाकी सांसद जो मौजूद हैं वो भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे? हम लोग पार्लियामेंट में अमित शाह जी का जवाब मांग रहे हैं, हम लोग कुछ और नहीं मांग रहे। हम मांग रहे हैं अमित शाह जी पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट्री ब्रीच का बारे में आके बताना चाहिए देश का और पार्लियामेंट। ये मांग कंटिन्यूस रहेगी और इंडिया अलायंस का सवेरे मीटिंग में भी ये डिसाइड हुआ है और हम लोग सारे एक साथ ये मांग करते रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस सांसद जावेद साहब हैं। जावेद साहब, जिस तरीके से आप लोगों को निलंबित किया गया है और तमाम सांसदों ने महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया है, अब आपका क्या अगला रुख होगा? देखिए, हम लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और हम लोग ने क्या मांग की थी अंदर, इतनी बड़ी चूक हुई और सबसे सिक्योर बिल्डिंग हिंदुस्तान के, जहां पे हिंदुस्तान के लोगों के चुने हुए लोग बैठते हैं और हिंदुस्तान की समस्याओं पे डिस्कस करते हैं, वहां पे दो शख्स का आ जाना इलीगली, ये बहुत बड़ा चूक है। ये तो टेररिस्ट अटैक है और खास करके 13 तारीख दिसंबर को, जो 21 साल पहले वाजपेयी जी के बीजेपी सरकार में जो हादसा हुआ था पूरी दुनिया जानती है, और उसके दिन अगर सिक्योरिटी लैप्स होता है इतना बड़ा, तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। हम लोग का फर्ज है कि भाई हिंदुस्तान के लोगों को ये जानकारी हो कि ऐसा क्यों हुआ, किसके चूक से हुआ। हमारा मानना है जो गृह मंत्री जी हैं उनकी चूक है, उनके डिपार्टमेंट की चूक है, उनकी इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा तो खैर दूर की बात, हमने उनसे जवाब मांगा तो हमें सस्पेंड कर दिया गया। तो ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये कोई नमूना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारा ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, आपने तो डेमोक्रेसी की मजाक उड़ा दी है पूरे
विश्व में। लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री ने अभी कुछ देर पहले कहा कि ये मामला लोकसभा अध्यक्ष के अंदर आता है, गृह मंत्री के अंदर नहीं आता है, इसलिए गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री की बात हो या गृह मंत्री जी की बात हो, जितने बाकी लोग हैं उनको बचाने के फिराक में रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जानती है, समझती है, उनको ज्यादा दिन आप बेवकूफ नहीं बना सकते, गुमराह नहीं कर सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है होम मिनिस्ट्री का, और ये सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी एजिटेशन हुआ था बेरोजगारी के खिलाफ। युवा जब देखे कि कोई को सुनने वाला नहीं है तो ये एक्सट्रीम कदम उठाया गया, या और भी क्या बात है नहीं है वो तो जांच करके बताएंगे तब पता चल पाएगा, लेकिन जवाब देने को तैयार ही नहीं है सरकार।